फरीदाबाद से। फरीदाबाद की सुरक्षा में 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिन रात शिफ्ट वाइज ये लोग निगरानी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 3 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं। सीआरपीएफ, मधुबन और आरबी की एक कंपनी इसमें शामिल है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर 4000 पुलिसकर्मी, अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिन रात शिफ्ट वाइज ये लोग निगरानी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 3 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं। सीआरपीएफ, मधुबन और आरबी की एक कंपनी को लगाया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए 3 अतिरिक्त पुलिस बल की कंपनियां बुलाई गई हैं। तो दिन रात शिफ्ट के हिसाब से पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं शहर की। सीआरपीएफ, मधुबन और आईआरबी की 3 अतिरिक्त टुकड़ियां बुलाई गई हैं। इस तरह से फरीदाबाद में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। किस तरह से फरीदाबाद की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 4000 पुलिसकर्मियों को यहां की सुरक्षा में लगाया गया है। वहीं 3 अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो बुलाई गई हैं बाहर से लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए। इसमें सीआरपीएफ, मधुबन और आरबी शामिल हैं। इधर सोशल मीडिया पर खास निगरानी की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। तो एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। चलेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम के पास। दीपक, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि फरीदाबाद में अभी क्या स्थिति है, क्या अभी भी फरीदाबाद के कुछ इलाकों को संवेदनशील माना जा रहा है, जिस वजह से ये एक्स्ट्रा फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय की गई हैं? देखिए, बिल्कुल, फरीदाबाद इस समय जिस हालात में है इसे बेहद सेंसिटिव कह सकते हैं फरीदाबाद के कुछ इलाकों को, और उसकी वजह ये कि लगातार हम देख रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं आज ही देखने को मिल रही हैं। कल रात की बात करें तो कल रात भी कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है, और इस बात को पुलिस प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहा है कि अगर इस समय इन हालातों पर काबू नहीं पाया गया या इस समय किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा और आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है। और यही वजह है कि फरीदाबाद के 4000 पुलिसकर्मी शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों के मन में ये भावना रहे कि पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि एक बटालियन आईआरबी की, यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन की एक बटालियन लगा दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की बटालियन जो है वो लगा दी गई है, और ये तमाम जो फोर्सेस हैं ये फरीदाबाद के उन संवेदनशील इलाकों पर और जो ऐसी जगह है जहां से बड़ी इजीली ये विजिबल हो पाए वहां पर ये लगातार दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह का ये जायजा ले रहे हैं और पूरी तरह से मैसेज ये देने की कोशिश कि हम पूरी तरह एक्टिव है, किसी भी तरह की अगर लापरवाही की गई, किसी भी तरह से अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। और अभी की स्थिति क्या है कि इंटरनेट चूंकि फरीदाबाद में बंद है, लेकिन वाईफाई सेवाएं चालू है, ब्रॉडबैंड चालू है, तो कई बार देखने को क्या मिल रहा है पुलिस अधिकारियों को कि ब्रॉडबैंड के माध्यम से कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, वाईफाई के माध्यम से कुछ मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उन मैसेजों पर किसी भी तरीके से अगर इस तरह के कुछ मैसेज आ रहे हैं या बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो उन मैसेजों पर पूरी तरह से साइबर पुलिस जो है वो निगरानी बनाई हुई है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर आपने किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह कि हमने देखा कि अलग अलग इलाकों से लोगों को हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं, उनकी गिरफ्तारी की कार्यवाही चल रही है, तो कोशिश ये कि माहौल पूरी तरह से फरीदाबाद का ठीक रहे।